सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैर से होंगे। और दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एहसान और आप देख रहे हैं इजी वे फंड्रेड। और दोस्तों, मैं आपको आज की वीडियो में ये बताता चलूं कि मैं इस वीडियो में अपने यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइब को हाइड करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इसको कैसे हाइड करते हैं। और अपने वीडियो का लास्ट सीन में ये भी बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइब को हाइड करके क्या एडवांटेज पा सकते हैं। और ये वीडियो खास तौर पर नए यूट्यूबर्स के लिए, और वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले सब्सक्राइब को हाइड करने के लिए क्रोम पे चले जाना है। क्रोम पे चले जाने के बाद आपने लिखना है यूट्यूब, आपने YouTube.com लिख लेना है। YouTube.com लिखने के बाद इसको गो पे कर देना है। YouTube.com लिखने के बाद आपने और आपने दोस्तों डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। जब आप डेस्कटॉप साइट पे चले जाएंगे और आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है यूट्यूब की, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको थर्ड नंबर पर यूट्यूब स्टूडियो नज़र आ रहा होगा। आपने दोस्तों सिंपली यूट्यूब स्टूडियो को प्रेस कर लेना है। और दोस्तों, जब आप सिंपली यूट्यूब स्टूडियो को प्रेस कर लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों, फिर आपने लेफ़्ट साइड पर इतने ज़्यादा आइकन बने होंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे लास्ट ये सेटिंग वाला, ये मैं आपको अंडरलाइन करके भी दिखा सकता हूँ, ये वाला आपने सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद सेकंड पर चैनल की ऑप्शन होगी, आपने इसको प्रेस कर लेना है। इसको प्रेस करने जो सेकंड में होगा एडवांस सेटिंग। तो दोस्तों, आपने इसका स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद आपने देखना है, मैं आपको दिखा सकूँगी, ये अंडरलाइन करके आपको मैं वाजी करके दिखा सकता हूँ। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्राइब काउंट और डिस्प्ले दी नंबर ऑफ़ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, यानी कि आपके हर व्यूअर्स को नज़र आ रहा होगा कि आपके चैनल के कितने सब्सक्राइब हुए हैं। तो दोस्तों, ये मैंने डिस्प्ले पे टिक किया, यानी कि ये मेरे व्यूअर्स को शो हो रहे हैं। और मैं इसको सिंपली टच कर दूंगा और ये हो गया। एक मिनट। और दोस्तों, यहाँ जो सेव का बटन है, सेव का आपने सिंपली सेव को प्रेस कर लेना है। सेव को प्रेस करने के बाद दोस्तों, आपका ये इनेबल हो गया हाइड, सब्सक्राइब हाइड आपका इनेबल हो गया। और अब कोई भी आपके व्यूअर्स को आपके सब्सक्राइब नज़र नहीं आएंगे। तो गैस, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट होते ही बताया था कि यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब को हाइड करने का एडवांटेज क्या था, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब को हाइड करने का एडवांटेज बहुत बड़ा है और ये नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत अहम है। क्योंकि जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनके सब्सक्राइब बहुत ही कम होते हैं, उनके सब्सक्राइब 50 तकरीबन 20 ऐसे बहुत ही कम होते हैं। और जो ऑडियंस होती है, यानी कि आसान अल्फाज में व्यूअर्स होते हैं, और व्यूअर्स जब आपकी वीडियो देखते हैं और जब आपके सब्सक्राइब देखते हैं, तो उनको ऐसा जहन में तसव्वुर पैदा होता है कि यार, ये बंदे के पास नॉलेज नहीं आया। वो यही समझ के आपकी वीडियो को स्किप करते हैं और इससे आपकी वीडियो का रिटेंशन बहुत ही कम हो जाता है और इससे आपकी वीडियो रैंक में नहीं आती, इससे अब बहुत आपका फ़र्क पड़ने लग जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं रिकमेंड करने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइब को हाइड करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और ज़रूर इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। और अगर आप मेरे चैनल से इंटरेस्टिंग हैं या मेरी वीडियो से आपको कुछ वाकई फ़ायदा हुआ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, मैं आगे आने वाली वीडियो में हुआवे मीडियापैड M3 की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, यानी कि उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, उसका रिव्यूइंग करने वाला हूँ। आपको बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वही टैबलेट खरीदें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा और आपने उसको लाइक किया और सब्सक्राइब किया। तो चलें, पीस ऑफ हार्ट।